नफरत कुछ ज्यादा ही हो गई है ना। आई कैन स्मेल इट। डू यू स्मेल? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज हम लोग बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स मूवीज के अनबिलीवेबल सक्सेस को लेकर। हालांकि मैं बार बार द कश्मीर फाइल्स पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक अच्छा यूट्यूबर वही है जो उसी टॉपिक पर वीडियो बनाता है जिस पर व्यूज आए या पब्लिक का अटेंशन जाता हो या पर्टिकुलर उस टॉपिक पर लोग ज्यादा वीडियोज देखने जाते हैं। और फाइनली नायक पिक्चर का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है लास्ट में, जो अनिल कपूर बोलता है कि तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे भी पॉलिटिशियन बना ही दिया। तो थैंक यू सो मच, तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे भी एक यूट्यूबर बना दिया। आई थिंक सो। खैर, कश्मीर फाइल मूवी 60 करोड़ पहुंचने वाली है और जिस तरह से ऑडियंस का क्रेज है, जिस तरह से नफरत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 100 करोड़ तो ये मूवी इजीली पार कर लेगी। और करना भी चाहिए यार, इतने पॉपुलेशन है हमारे देश में, 100 करोड़ क्या, मैं तो बोलता इसको 2000 करोड़ क्रॉस कर देना चाहिए। और एक कमेंट सेक्शन में तो मैंने देखा भी कि भाई बोलता अगर ये मूवी तमिल तेलुगु मतलब जितनी हमारी लैंग्वेज है उसमें रिलीज होती थी 2000 करोड़ क्रॉस कर लेती। मुझे नहीं पता कि उस 2000 करोड़ में उस बंदे का कितना शेयर है, मगर 2000 करोड़ कर लेती है वो बोल रहा है। भाई मे भी कर भी लेती, आई डोंट नो। कल तो आप लोगों को सब पता ही चल गया होगा कि क्या बड़ा बवाल हुआ है, एक्सपोज हुए कुछ लोग। एक्सपोज मतलब ये है तो कि यार कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कश्मीर फाइल से रिलेटेड। कंट्रोवर्सी होती है वो बनती नहीं, उसे बनवाई जाती है। और कल तो सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि कपिल शर्मा से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी चल रही थी कश्मीर फाइल्स के मेकर्स की, वो अब क्लियर कट हो गई। कपिल शर्मा ने रिलीज होने से 2 महीने पहले ही अनुपम खेर को बोला था इस पर्टिकुलर मूवी को प्रमोट करने के लिए उनके शो द कपिल शर्मा शो में, लेकिन अनुपम खेर ने अपने मैनेजर को मना कर दिया था ये बोलकर कि भाई ये जो मूवी का सब्जेक्ट है वो काफी सीरियस है और वो नहीं चाहते कपिल शर्मा शो में जाना क्योंकि कपिल शर्मा एक कॉमेडी शो है। तो इस वजह से बात वहीं रफा दफा हो गई थी। लेकिन मूवी रिलीज होने से कुछ दिन पहले विवेक अग्निहोत्री जो कि इस पर्टिकुलर मूवी के डायरेक्टर, वो बोलते कि कपिल शर्मा ने हमको इनवाइट ही नहीं किया और उस पर बहुत ही बहस चली, बॉयकॉट कपिल शर्मा, ये वो सब कुछ चलता रहा। लेकिन अब फाइनली रिलीज होने के कुछ दिन बाद अनुपम खेर खुद ही बोलते कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं था, कपिल शर्मा ने खुद इन्वाइट किया था। तो यार कहने का मतलब ये है कि जो चीज अनुपम खेर अब बोल रही है रिलीज होने से पहले जब कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी तब क्यों नहीं बोल रहे थे, सीधा सीधा जवाब ये है कि कंटेंट इज किंग। मैं भी मानता हूँ, आप लोग भी मानते हो, लेकिन वो कंटेंट किंग तब बनता है जब ऑडियंस उसे आकर देखे। जब कोई आकर देखेगा नहीं तो वो कंटेंट तो डब्बे में बंद रहेगा। वैसे ही इसका परफेक्ट एग्जांपल है झुंड मूवी जो कि अमिताभ बच्चन सर थे। झुंड मूवी अनबिलीवेबल मूवी थी लेकिन वो नहीं चली हमारे देश में। शायद ही लोगों ने उसको देखा होगा, जितने भी लोगों ने देखे वो बस अमिताभ बच्चन के फैन होंगे या तो फिर वो एक मूवी लवर होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने उस पर्टिकुलर मूवी को देखा ही नहीं। वो कब आई कब चलेगी किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन कश्मीर फाइल्स लोग कितनी चल रही, क्योंकि कंट्रोवर्सी जब किसी चीज़ को इर्द गिर्द कर लेती है ना, तो हमारे इंडिया में यही है कि जब कोई एक चीज़ वायरल हो जाती है तो उसको सब लोग देखते हैं, भले वो झाटू हो। और मोस्टली झाटू चीज़ें ही वायरल होती है, वो कच्चा बादाम उसका भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्या है वो वायरल है। तो वैसे कश्मीर फाइल्स रिलेटेड जो कॉन्ट्रोवर्सी चली कपिल शर्मा, क्योंकि कपिल शर्मा हमारे इंडिया का मोस्ट वॉच टेलीविजन शोज में से एक है और हर एक फैमिली कपिल शर्मा मोस्टली देखती ही है, तो जाहिर सी बात है उससे रिलेटेड कॉन्ट्रोवर्सी चलोगे तो आपका प्रोडक्ट तो बिकेगा ही। प्रमोशन स्ट्रेटेजी के मामले में तो भाई विवेक अग्निहोत्री ने आमिर खान को भी पीछे छोड़ दिया। कमाल यार, मजा आ गया इंस्पायर होने का, ऐसे लोगों से इंस्पायर होने का। देखो मैं होता हूँ इंस्पायर, मैं समाज के हर अच्छे बुरे लोगों से इंस्पायर होता हूँ और होना भी चाहिए क्योंकि ये लोग आपको जिंदगी सीखने का एक नया नया तरीका सिखाते हैं। खैर, अनुपम खेर का एक और ट्वीट वायरल हो रहा है जो कि उन्होंने 2013 में किया था, जहां पर उन्होंने इस पर्टिकुलर मूवी से रिलेटेड ही कहा था कि जो कश्मीरी पंडित का जो पलायन था एक्सोडस, उन्होंने खुद लिखा है, तो उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ के ना देखे, वो एक ह्यूमन सफरिंग थी। और आज उनके स्वर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर भी कहने का मकसद ये है कि देखो तो तारीख पर गौर करने का, जैसे लोग ड्रेस पे गौर करते हैं वैसे तारीख पे गौर करने का, कि 2013 में लोग सेक्युलर हुआ करते थे लेकिन अब लोग आई स्मेल हेटरिज्म। एक और मैंने पब्लिक रिएक्शन देखा था कश्मीर फाइल मूवी से रिलेटेड, तो एक बंदा थिएटर से बाहर निकल के बोलता है कि इन लोगों से बच के रहने का, ये लोग कुछ भी कभी भी कर सकते हैं, ये लोग मतलब कौन, मतलब यार मूवी बनाई बेचारे वो जो कश्मीरी पंडित के साथ जो चीजें हुई थी वो दर्द आपको फील कराने के लिए, लेकिन आप निकल के बाहर इस चीज को रिलीजन के एंगल में डालती हो, जो हेट नहीं है तो ये क्या है। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कश्मीर फाइल मूवी जाके देखो, उनके दर्द को महसूस करो, लेकिन बस वो दर्द को अलग जगह पे लेके मत जाओ क्योंकि उसका कोई एंड नहीं। तो यार बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और ये मेरा आखिरी वीडियो यार, अब मैं नहीं बनाऊंगा कश्मीर फाइल्स पर वीडियो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डोंट सपोर्ट हेटरिज्म।
ओनली सपोर्ट लव पीस ए पीसफुल कम्युनिटी दिस इज अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय यार।